कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में जहां भारत के विभिन्न कोने की संस्कृति देखने को मिल रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक दल भी यहां पर प्रस्तुति दे रहे हैं। शुक्रवार को एम्बेसडर्स की मीटिंग के बहाने विभिन्न देशों के राजदूतों को भी कुल्लूवी नाटी के ताल पर थिरकने का मौका मिला। इस दौरान ये लोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और CPS सुंदर सिंह ठाकुर के साथ नाटी की ताल पर जमकर थिरके। कार्यक्रम के बाद विदेशों राजदूतों ने बताया कि हिमाचल की संस्कृति तारीफ के काबिल है। उन्होंने पहली बार कुल्लू की संस्कृति यहां आकर देखी। वहीं राजदूतों ने हिमाचल सरकार को सुझाव दिया कि यहां की संस्कृति को और प्रमोट किया जाना चाहिए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू के मौहल में आयोजित एम्बेसडर्स मीट का अध्यक्षता करते हुए विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इसमें उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ब्रुनेई के राजदूत, रूस और गुयाना के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस मीट के बाद कुल्लू के कलाकारों ने कुल्लूवी पहनावे में नाटी डाली। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार की प्रायोरिटी टूरिज्म, हमने 4 सेक्टर को चिन्हित किया। सबसे प्रायोरिटी टूरिज्म है, दूसरा हाइड्रो है, तीसरा हमारा डेटा स्टोरेज है और फोर्थ हमारा फूड प्रोसेसिंग। ये मेरी पहले बजट की स्पीच में मिलता है और जब मैंने बजट रखा था तो मैंने सब चीज़ों को इंगित किया था, लेकिन उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस दृष्टि से हमारी सरकार इसमें कार्य कर रही है। पिछली बार जब मैंने आना था मैं बीमार हो गया, सुंदर ठाकुर जी ने यहाँ दशहरा में भी व्यवस्था परिवर्तन किया। पहली बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यहाँ कल्चर की ट्रूप्स आए और इस बार भी कल्चर ट्रूप्स आए और एम्बेसडर भी आए। हम उन्हें हिमाचल की ब्यूटी को बताना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट से हमने करवाई और मैं कह सकता हूं कि उनको ये लगा कि इतना सुंदर प्रदेश है, इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखा जाए। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो और जो एम्बेसडर थे उनका तो हमारा और हिल स्टेट का एक ही जैसा कंसेप्ट है और बड़े अच्छे उन्होंने विचार रखे। आने वाले समय में टूरिज्म सेक्टर में हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हम